स्वतंत्रता सेनानी को दी गई श्रद्धांजलि। राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय चतरा में अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वबोध कुम्हार की 29वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम में शामिल हुए जिला परिषद अध्यक्षता ममता कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रिज किशोर तिवारी और बिरजू तिवारी। वहीं इस अवसर पर इंद्रू राम, इटकोरी जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि भरत साव, मयूरहंड जिला परिषद सदस्य देवनंदन चंद्रवंशी, नंद किशोर राम, शंभू राम, मुकेश कुमार सिंह, समाज सेवी दीपक कुमार, स्वतंत्रता सेनानी के पोते समर संकल्प, बड़ी पोतू बरती देवी, छोटी पोतू अनुपमा पंडित, पोता लव सम्राट कृष सम्राट के साथ अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। और आज हम जिस महान श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं उनके पूरे परिवार को हमारा शीश झुकाकर नंदन है, अभिनंदन है, वंदन है। आज एक हमारे और क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी पुण्यतिथि है, उनको भी मेरा सिर झुका के नंदन अभिनंदन है और श्रद्धांजलि अर्पित है। निश्चित तौर पे अभी हमारे गुरुराम संधु प्रजापति जी कह रहे थे कि दीपक सर जितना बात बताए श्री बोध कुमार जी के लिए वो निश्चित तौर पे हमारे लिए और हम सभी के लिए जैसा मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नया था। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उनके किए हुए दिए हुए आशीर्वाद के साये तले चतरा में खड़े हैं। और उसके बाद भी हमें अफसोस है कि हम उनके लिए कभी खुल के आए नहीं और ना ही हम लोग प्रयास किए कि उनको लोग जाने। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं दीपक जी को कि जिन्होंने ये आज बताया कि हमारे यहाँ भी एक सुदूरवर्ती गांव में पले पले लाख यात्राएं करने के बाद भी, कोल्लू में तेल फेरने के बाद भी देश के प्रति सोच, यहाँ तक कि उन्होंने एक बात और भी पढ़ा था कि अंग्रेज अलग अलग रूप में इन लोगों को यात्राएं देते थे एक दूसरे के प्रति।